आज हम सीखने वाले हैं 5 कॉमन प्रॉब्लम्स इन 3ds मैक्स, साथ ही साथ हम सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो 5th लिस्ट पर है मिसिंग मेन टूल बार। यहाँ पर अगर पर्टिकुलरली व्यू पोर्ट पर अगर मेन टूल बार यहाँ पर नहीं दिखाई दे, अगर मिसिंग रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको क्लिक करने के बाद, राइट क्लिक करने के बाद मेनू बार सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है, ओके। तो यहाँ से आने के बाद कस्टमाइज में आना होगा आपको, और यहाँ से शो यूआई, उसके बाद आपको क्या करना होगा, शो मेन टूल बार पर चेक करना होगा। तो ये परफेक्टली यहाँ पर अब विजिबल दिख रहा है। तो ये 5th प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। तो 4th प्रॉब्लम लेते हैं, मिसिंग कमांड पैनल। अगर कमांड पैनल यहाँ पर अगर मिस रहे, तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना होगा यहाँ पर, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, कमांड पैनल पर क्लिक करना होगा, ओके। तो ये चेक करने के बाद यहाँ पर कमांड पैनल विजिबल है। अगर कभी कभी 2nd प्रॉब्लम होता है, ये यहाँ पर आ जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डबल लेफ्ट क्लिक करना होगा। तो परफेक्टली यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब हमारा जो तीसरा प्रॉब्लम लेते हैं, यहाँ पर अगर व्यूपोर्ट में अगर लाइट जो हमने लिया है वो अगर विजिबल नहीं रहेगा, जैसे कि हमारा रेंडर में दिख रहा है बट व्यूपोर्ट में अगर लाइट नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से शेडेड को आपको चेंजेस करते हुए यहाँ से रियलिस्टिक आपको करना होगा। तो ये परफेक्टली रेंडर में भी विजिबल रहेगा लाइट, साथ ही साथ व्यूपोर्ट में भी लाइट विजिबल रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं 2nd प्रॉब्लम की तरफ, एक्सिस प्रॉब्लम पर, ओके। तो कभी कभी क्या होता है, जो एक्सिस नहीं दिखाई देता है, एक्स वाई और जेड कॉन्स्टेंट, तो उसके लिए आपको एक्स प्रेस करना होता है। तो परफेक्टली यहाँ पर विजिबल होता है, आप साथ ही साथ यहाँ पर परफेक्टली मूव कर सकते हैं, ओके। तो टॉप 1st पर है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन लॉक। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन लॉक कब हो जाता है, अनजाने में अगर लॉक ऑन हो जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो पाता, मतलब सेलेक्ट नहीं हो पाता है। तो किस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, यहाँ पर देखिए, अब ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, अब ये भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। अगर कभी कभी गलती से अगर बैक स्पेस ऑन हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना होगा, आप चाहे तो बैक स्पेस भी आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ये लॉक को आप क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो परफेक्टली अब क्या होगा, सेलेक्ट भी होगा और मूव भी होगा। तो ये टॉप 5 कॉमन प्रॉब्लम्स था इन 3ds मैक्स में, साथ ही साथ हमने इसका सॉल्यूशन भी बताया। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, बाय।